आज मैं थोड़ा खाली सा था और मम्मी छत में चावल की सफाई करने में व्यस्त थी जिनमें कुछ घुन लग गए थे। फटाफट ऊपर पहुंचकर चावल और मम्मी के धुले कपड़े चेक करके मम्मी ने चावल उड़ाने शुरू किए। फिर मम्मी के बैठने के लिए छोटी सी स्टूल निकाली और ये सूरज दादा अपने लपटे फेंकने में व्यस्त थे। मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प अपन ने भी करी ली। पूरे आधे घंटे बाद चावल अच्छे से चेक करके और छत भी अच्छे से साफ कर ली और मेरी यह हालत देखो। और फिर शाम होते ही मेरे दिमाग की तरह मौसम भी बिगड़ गया, बट मैंने रोज की तरह एक्सरसाइज चालू करनी शुरू करी। अच्छी खासी फिटनेस होने के बाद मेरी गति में विराम लगाने हमारी प्यारी नोरा पधार गई थी। एक्टर है ये, एक्टर नोरी है ये। और नोरी का सूट देखो आज कितना अच्छा लग रहा है। नोरी का सूट तो देखो, वाओ क्या है, ग्रीन ग्रीन। अरे नोरी ने हाथ लगा दिया मेरे पर। छी, अरे ये वो क्या कहते हैं इसके, क्या कहते हैं, भूल गया इसको कहते हैं। अरे यार इसे कहते क्या, पूछ कहता इसे, इसे भूल गया नाम में। ये था दूसरे पार्ट के लिए थोड़ा वेट करो। हाँ फिसलन होती है इसमें, नाम भूल गया जाने क्या कहते हैं, पता नहीं यार मेरे दिमाग से उतर गया। यानी क्या कहते हैं, फिसलन, ये नोरी है फिसलन, नोरी फिसलन। और पढ़ के आ गई, ये सब फूल देखो हमारे खराब हो रखे हैं। ये फूल हमारे सारे, हमको जलाएंगे भाई फूल को, हमारे फूल लेंगे अच्छे लाएंगे हमारे फूल, हमको ये जले हुए। ऐसा होता है ना जैसे कभी कभी ज्यादा हो जाता है ना कोई भी चीज, वो अपने आप ही गिर जाते हैं वो। ये देखो गुलाब का फूल कितना बेकार हो गया, बीच में कितना अच्छा था। ये नोरी की शक्ल जैसा लग रहा है, देखो फट छोड़ दो, ये देख ये और ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। देखो तो एक मुंह इधर लाना, इधर मुंह लाना, इधर मुंह अपना देखो, दोनों के मुंह एक जैसे लग रहे हैं। ये भी सड़ा हुआ, ये भी सड़ी हुई। ये तेरे घर की दरवाजी कहाँ आई भाई? अरे हमारे घर की है वो। अरे भाई हमारे घर की है वो, तुम्हारे घर की कहाँ आ गई? ये हमारे घर की है ये। अरे भाई तो तोड़ क्यों रही है भाई, उग रहे हैं वो, तोड़ ये तोड़ दिया फूल ने, दिखा दे उग रहा था, अच्छा खासा फूल तोड़ दिया इनने। अरे उसको मत तोड़ियो अब। और ये रही हमारी नौरा, ऐसे ही ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब मार के जाना।